गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th हम क्या पढ़ रहे थे? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि जो बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुका था। आज का टॉपिक हमारा क्या है? अमीनो एसिड्स। नए बायोमोलिक्यूल्स कौन सा है हमारा? अमीनो एसिड्स। सबसे पहले कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स भी क्या होंगे? स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, और कुछ केसेस में क्या होता है? सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो मेनली जो हमारा अमीनो एसिड्स है वो किस किससे मिलके बने होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से। जो अमीनो एसिड है उनको हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल कंसिडर्ड किया गया था वो कौन सा था हमारा? अमीनो एसिड। कि सबसे पहले अमीनो एसिड को ही कंसिडर्ड किया गया था। जो अमीनो एसिड है वो कैसे एक्ट करते हैं? दे सर्व या एक्ट एज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। कि जो प्रोटीन के मोनोमर है उसकी तरह एक्ट करते हैं। मोनोमर मतलब कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटीन की वो क्या होगी? अमीनो एसिड। कि अमीनो, काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। कि जो अमीनो एसिड्स की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। तो जो मोनोमर यूनिट क्या हुई? अमीनो एसिड की। एक अमीनो एसिड से क्या हुआ? मोनोमर यूनिट। कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके पास क्या होगा? एक अमीनो ग्रुप होगा। अमीनो ग्रुप कौन सा? NH2 ग्रुप। और क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या क्या फॉर्मूला है? COOH। और जो दोनों ही जो ग्रुप है वो कहाँ पर अटैच होंगे? एक सेम कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर। ये पोजीशन के बेस पर देखें तो हम अल्फा, बीटा, गामा इस तरह पोजीशन देते हैं। जो फर्स्ट कार्बन होता है उसकी पोजीशन कौन सी होती है? अल्फा। तो जो ये अमीनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दोनों कहाँ पर अटैच होंगे? अल्फा कार्बन के ऊपर। अल्फा, इसके अलावा अल्फा कार्बन पर क्या हो सकता है? अल्फा कार्बन आल्सो बियर एज एटम। इसके पास एक वैलेंसी भी क्या होगा? एच एटम प्रेजेंट होगा। और एक के ऊपर क्या होगा? आर ग्रुप। आर ग्रुप मतलब कोई भी एल्कलाई ग्रुप, सही, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, कोई सा भी इथाइल जो ग्रुप है एल्कलाई ग्रुप वो प्रेजेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने फर्स्ट लिया NH, बीच में कार्बन अल्फा कार्बन ले लिया सी, उसके एक साइड पर क्या है? NH2 है, एक साइड पर COOH है, ऊपर क्या है? एच एटम है, नीचे क्या है? आर ग्रुप है। इसकी 4 वैलेंसी है, सभी कंप्लीट है। अब आर ग्रुप में जो आर ग्रुप है उसकी जगह कुछ भी आ सकते हैं। तो एच लगा लो कि मीथेन बन जाएगा, इथा CH3 भी आ सकता है, CH2OH भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी एल्कलाई ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में CNH2COOH, ऊपर एच एटम है, नीचे भी क्या है? एच एटम। तो ये कौन सा अमीनो एसिड बन गया? ग्लाइसिन। सेकेंड में क्या हुआ? एच एटम की जगह क्या पर आ गया? CH3। कौन सा अमीनो एसिड बन गया? एलानिन। नेक्स्ट में CH2OH आ गया, कौन सा अमीनो एसिड बन गया? सीरीन। तो इस तरह आर ग्रुप के ऊपर कुछ भी अटैच हो सकता है, कोई सा भी एल्कलाई ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो ये क्या है? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब एक अमीनो ग्रुप इम्पार्ट बेसिक करेक्टर टू अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इम्पार्ट एसिडिक करेक्टर टू द अमीनो एसिड। कि जो अमीनो एसिड पे जो अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप है वो अमीनो एसिड को कैसा करेक्टर प्रोवाइड करता है? बेसिक करेक्टर। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कैसा करेक्टर देगा? एसिडिक करेक्टर देगा अमीनो एसिड्स को। और अमीनो एसिड आर रेफर्ड एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह एक कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, उसी तरह इसमें कार्बन की वैलेंसी को ऑक्यूपाई करने के लिए 4 ग्रुप क्या होंगे? अटैच होंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं। जिस तरह जैसे कि मीथेन है हमारा, क्या फॉर्मूला है मीथेन का? CH4। कि कार्बन की, और कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। तो 4 वैलेंसी को किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया? 4 हाइड्रोजन एटम के द्वारा। तो उससे क्या बना हमारे पास? मीथेन बना। इसी तरह अमीनो ग्रुप में क्या होगा? जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उनकी उसकी 4 वैलेंसी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। तो 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या होंगे? 4 सब्स्टिट्यूटेड
ग्रुप प्रेजेंट होंगी जो उस वैलेंसी को क्या करेंगी, ऑक्यूपाई करेंगी। तो इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। कि मीथेन की तरह क्या करता है, ये भी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। फिर नेक्स्ट आता है ज्यूटर आयनिक फॉर्म। तो ज्यूटर आयनिक फॉर्म क्या होती है, ज्यूटर आयन इज ए कंपाउंड दैट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन नॉन एडजेसेंट एटम। द अमीनो एसिड इज ए ज्यूटर आयन, व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर इट कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेज एज। तो इसमें ज्यूटर आयन फॉर्म में क्या बताया गया है कि ज्यूटर आयन होते क्या है। ज्यूटर आयन कोई भी कंपाउंड होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। और ज्यूटर आयनिक फॉर्म कौन सी होती है कि अमीनो एसिड में ही ले लो कि अमीनो एसिड्स का वो अमीनो एसिड जिसके पास इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो इक्वल नेगेटिव चार्ज हो तो उसको फॉर्म क्या बोल कौन सी फॉर्म बोलते हैं, ज्यूटर आयनिक फॉर्म। जैसे कि जी हमारा अमीनो एसिड है, जब हम उसको न्यूट्रल पीएच के ऊपर रखेंगे कि उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होगा तो उसके पास क्या होगा, एक जो फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसके पास, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक तो अमीनो ग्रुप होगा, सेकंड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप के पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके पास कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप के पास, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है। नेट तो इसका नेट चार्ज देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर का चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, ज्यूटर आयनिक फॉर्म। लेकिन जब हम इसको किसी वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देता है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देता है। कैसे देता है, मान लो हमने सबसे पहले इसको रखा, अब पीएच के बेस पे देखो कि हमने जब इसको लो पीएच के ऊपर रखा तो लो पीएच पे क्या हुआ, अगर हमने इसको लो पीएच वाले सॉल्यूशन में अमीनो एसिड को रखा है तो लो पीएच वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो ये प्रोटोन है, हाइड्रोजन आयन है, ये क्या होंगे, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, जो अमीनो ग्रुप है, जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो ग्रुप है, वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव उस प्रोटोन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा उस एच प्लस आयन जो उसके अंदर लो पीएच के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और इसको एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा लो पीएच के ऊपर। लेकिन जब हम इसको हाई पीएच के ऊपर रखेंगे तो हाई पीएच वाले सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, जो ओएच आयन है, ओएच नेगेटिव जो आयन है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सॉल्यूशन को इक्वल करने के लिए क्या करेगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या करेगा, अपने प्रोटॉन्स को या जो अपना एच आयन है, ये जो प्रोटोन आयन है उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ये जो एच आयन है, प्रोटोन आयन है, वो ओएच के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया तो इसके पास क्या होगा कि नेगेटिव जो, और जो अमीनो एसिड है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना प्रोटोन है वो क्या कर दिया, डोनेट कर दिया कि इसमें हाई पीएच वाले सॉल्यूशन में ओएच आयन के पास, और उसने क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो इस तरह इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और लो पीएच पे अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो अमीनो ग्रुप है वो क्या कर लेगा, एच आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये थे कि ज्यूटर आयनिक फॉर्म, कि वो फॉर्म जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसको ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। और अब पीएच का इफेक्ट देखा था कि जब ज्यूटर आयनिक फॉर्म में पीएच का इफेक्ट क्या होता है, कि लो पीएच के ऊपर तो जो अमीनो एसिड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और हाई पीएच के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसकी ज्यूटर आयनिक फॉर्म। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो टोटली हमारे कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। उन 20 अमीनो एसिड्स को 3 क्लासेज में क्लासीफाई किया गया है।
कौन कौन से? एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड टेकन थ्रू डाइट। कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स वे अमीनो एसिड है जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते, बल्कि ये अमीनो एसिड डाइट के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। जैसे कौन कौन से? लाइसिन है, मिथियोनिन है, फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है। ये सभी किसके अंदर आएंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर। इसके अलावा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दे आर सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड आर नॉट नीडेड थ्रू डाइट। कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड है जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और उनको डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कौन कौन से? प्रोलीन है, टायरोसिन है, एलानिन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिन है। ये सभी किसके अंदर आएंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर। अब है कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल मतलब दोनों के बीच की कैटेगरी, कि ये बॉडी में भी क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे और इनको डाइट के द्वारा भी बॉडी के अंदर क्या जाएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे। कि ये लो अमाउंट में तो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज भी होंगे और इनको लेने के लिए क्या होगी, डाइट की भी रिक्वायरमेंट होगी। दे रिक्वायर्ड एट ए पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ, इनके लिए जो ग्रोथ की एक पर्टिकुलर फेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है? आर्जिनिन, हिस्टिडिन। तो ये था क्या क्या हमारा अमीनो एसिड्स, कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, यूट्राइनी फॉर्म अमीनो एसिड्स की कौन सी होती है, फिर इनकी क्लासिफिकेशन की कौन कितनी कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन से हैं एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। एसेंशियल वो जो बॉडी के द्वारा, जो डाइट के द्वारा हमारी बॉडी में जाते हैं, और नॉन एसेंशियल जो बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, और सेमी एसेंशियल जो डाइट के द्वारा भी बॉडी में जाते हैं और स्लो रेट के ऊपर बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आर्जिनिन, हिस्टिडिन। ये था आज का हमारा टॉपिक अमीनो एसिड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।